हर बूथ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, हर बूथ का कार्यकर्ता शुरुआत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना। और निमस से बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमलनाथ का बयान आया है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन कर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, राज्यों को भी राज्यों की भी इसमें मंजूरी लेनी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान है, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है संविधान में, लेकिन राज्यों की भी इसमें मंजूरी लेनी होगी। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं है, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार है, वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं, पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काटो, ऐसे तो ना हो जाए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अब सियासत भी खूब हो रही, चूंकि कमेटी बनाई गई है रामनाथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में और इसकी जो आंच है वो मध्य प्रदेश तक भी पहुंची है। शैलेन्द्र सिंह भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेन्द्र, चुनावी तैयारियां तो हो ही रही, मेरी माटी मेरा देश अभियान भी चल रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा भी चल रही है, दूसरी तरफ अब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। तरीके से कल इस बात की जब घोषणा हुई कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना है, तभी से इस बात की चर्चा होने लगी थी, कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। और ये आज जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और ये बात कही गई कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है, तो ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव होने उन राज्यों में तो है ही है सियासी बयानबाजी और जो चर्चा है वो शुरू हो गई, लेकिन उन राज्यों में भी है जहां पर हाल ही में चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक की बात करें, पंजाब, हिमाचल है, इस तरह के जो चुनाव जिनमें कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए। और जिस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि जब वन नेशन वन राशन हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जनमत का जो आधार होगा, जो जनता चाहेगी उस आधार पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेंगे, अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह का जनमत आएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेंगे कि क्या जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है, उस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ का साफ तौर पर यह कहना है कि आप संविधान में बदलाव करके वन इलेक्शन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे भी आपको सहमति लेनी होगी। तो अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा इसका विरोध तो नहीं किया गया, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको लेकर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई होगी। तो अभी हालांकि इसका कोई अभी आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं है कि इस बार के लोकसभा सत्र में इस निर्णय को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके बाद जो है सियासी पार्टियों में चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा का विषय जरूर है, अब देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ चर्चा और क्या कुछ विचार सियासी दलों के सामने आते हैं। शुक्रिया शैलेन्द्र पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है, लोकसभा में बुलाए गए विशेष सत्र का असर पड़ सकता है बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर। दिल्ली में एक या दो दिन में सीईसी की बैठक नहीं होगी, बीजेपी में दूसरी सूची के लिए अभी अब इंतजार करना पड़ सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा और वरिष्ठ नेताओं के दौरे को लेकर प्रमुख नेता बैठकों में व्यस्त हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के चलते अब 6 सितंबर के बाद फिर बाकी संभावित नामों पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर और अहम खबर है। हाल फिलहाल अगर हम कहें तो चुनावी तैयारियों पर बीजेपी की असर पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी का असर भी मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों में नजर आएगा, क्योंकि अब हाल फिलहाल सीईसी बीजेपी सीईसी की बैठक
नहीं होगी, इसलिए इस लिहाज से दूसरी सूची के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। इधर जन आशीर्वाद यात्रा और वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी जारी हैं और इन यात्राओं और दौरों में जो वरिष्ठ नेता हैं वो व्यस्त। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हालांकि पहले तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मामला अटक गया दूसरी सूची को लेकर। जी प्रसाद, देखिए बिल्कुल, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि वो दो दिन के अंदर हो सकती है, और जो यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व है, जो यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जो पूरे इलेक्शन का काम देख रहे हैं, इन सब के बीच 35 नाम सिंगल पर चर्चा हो चुकी थी और उसके अलावा 2 से 3 नामों के पैनल बनाए गए थे। तो यहाँ पर प्रदेश भाजपा ने अपने नामों को लेकर, दूसरी सूची को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी और ये कयास थे कि अब 1 या 2 दिन में जैसे ही इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उसके बाद तुरंत ये नाम 1 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही कल से लोकसभा के विशेष सत्र को लेकर पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है और 18 से 22 सितंबर जो सत्र चलना है, तो उसके का असर निश्चित है। मध्य प्रदेश में जो दूसरी सूची आने वाली थी इस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अभी भाजपा के कई प्रमुख नेता अभी भी यहां पर बैठे हुए हैं, हम देखें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहीं हैं, अश्विनी वैष्णव यहीं हैं, बाकी नेता भी आज प्रमुख जो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये सब नेता भी शाम को बैठक करेंगे। लेकिन अभी जो हमको बैठकों के बारे में पता चला है कि जो सूची को लेकर पूरी कोशिश कवायद चल रही थी वो फिलहाल अब 2-4 दिन टल सकती है, क्योंकि अब 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होना है, तो अब पार्टी का फोकस उस जन आशीर्वाद यात्रा पर है और यही निष्कर्ष निकल रहा है कि अब क्योंकि लोकसभा में जो विशेष सत्र होना है तो सभी नेताओं की व्यस्तता रहेगी, तो अब ये बैठक जो होना केंद्रीय चुनाव समिति की वो 6 तारीख के बाद होगी। तो अब ये 2-4 दिन जो संभावना थी, अटकलें थी कि सूची आने वाली, ऐसा लग रहा है फिलहाल कि वो थोड़ा विलंब से आ सकती है, थोड़ा और डिले हो जाएगा, थोड़ा और विलंब हो जाएगा। हालांकि नाम लगभग, जैसा कि आपने इससे पहले कल बताया भी था कि 35 सिंगल नाम है पैनल में और जल्द ही 64 सूची भी तैयार हो गई 64 नामों की। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़वानी से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 3 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र सीमा पर बिजासन घाट पर यह हादसा पेश आया। ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी है और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यहां एक शख्स की मौत की खबर है। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में घायल सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए। 30 से 35 लोग बताया जा रहा है कि बस में सवार थे। बस को टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पलट गया। बिजासन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी ये बस। और इंदौर से बड़ी खबर, अस्पताल प्रबंधन ने मजदूर के शव को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों को दलित मजदूर का शव दिया गया है। दलित मजदूर के शव को बंधक बनाया गया था। परिजनों ने 80,000 रुपए मांगने के आरोप लगाए थे और पैसे नहीं देने पर अस्पताल दरअसल शव नहीं लौटा रहा था। अस्पताल के बाहर लोगों ने जिसके धरना दिया, जिसके बाद दलित का शव वापस दिया गया है। इंदौर से यह खबर है।